Hello everyone. So today I'm going to share with you my chicken curry recipe. You can call dahi wala chicken or Punjabi chicken. Okay. So first मैं chicken ले रहा हूँ half kg. So proper wash करके इसे एक pan में डालो या bowl में. So first पहले हम इसे marinate करेंगे. इसमें हम dahi, नमक और हरी मिर्च डालेंगे. मिक्स करना. इसके बाद हम डालेंगे सबसे पहले हल्दी. लाल मिर्च पाउडर. धनिया. इसके बाद हम डालेंगे दो लौंग. क्लोव. और दो ग्रीन इलायची. उसका ऐसे मिक्स करके ओके ये मैरिनेट हो चुका है. ऐसे प्रॉपर मिक्स करके आप इसे 30 मिनट और 1 आवर के लिए जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप फ्रीज में स्टोर कर सकते हो. ओके सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे. सो मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज कर रहा हूँ. तो आप चाहे नॉर्मल ऑयल भी यूज कर सकते हो और घी भी यूज कर सकते हो. ओके अभी आपका ऑयल हीट हो चुका है. तो उसके बाद सबसे पहले आप चाहो तो आप खड़े मसाले डाल सकते हो बट मेरे को पसंद नहीं है अपना. तो मैं डायरेक्टली जिंजर गार्लिक डाल रहा हूँ चॉप करके. इनको थोड़ा सा कुक करो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए. उसके बाद इसमें ऑनियन डालेंगे. ओके जिंजर गार्लिक हो चुका है लाइट ब्राउन. जलाना नहीं है क्योंकि ऑनियन भी कुक करने तो जल जाएगा. तो ऑनियन डालो. अभी ऑनियन को थोड़ा लाइट ब्राउन करो जिसमें हार्डली 2 or 3 मिनट लगेगा. तब तक कुक करो और मेक श्योर ये जले नहीं आपको ऑनियन. नहीं तो आपका जो टेस्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा. ऑनियन हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है. तो इसे ज़्यादा नहीं करना नहीं तो एक बार जाएगा आपका ऑनियन. ओके सो सबसे पहले मैं हल्दी डालूंगा और इसे प्रॉपर कुक करूंगा जिससे कि आपके खाने में प्रॉपर हल्दी का टेस्ट आए. और इसे अच्छे से भूनो. बस याद रहे कि नीचे ना लगे. और इसके बाद हम डालेंगे नमक. नमक डालने से आपका ऑनियन पानी छोड़ने लग जाएगा. बट ध्यान रहे कि नीचे ना लगे क्योंकि जब पानी छोड़ता तो मसाले नीचे लगते हैं. तो नमक डालो. अभी इसके बाद डालेंगे धनिया जो मेरा फेवरेट है. ओके अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर. हमने पहले ही चिकन में डाल लगा जब मैरिनेट करें. तो आप इसमें थोड़ा सा डालो हल्का सा कलर के लिए. और उसके बाद आप चाहो तो ऑप्शनल है चिकन मसाला आप डाल भी सकते हो नहीं भी. पर मेरे को चिकन मसाला टेस्ट अच्छा लगता है तो इसलिए मैं डालता हूँ. आप चाहो तो आप अवॉइड कर सकते हो. अभी इसे अच्छे से कुक होने दो एटलीस्ट 2 या 3 मिनट. तो ध्यान दें कि नीचे ना लगे. ओके आप देखो मेरा मसाला हो चुका है क्योंकि मेरा मसाला ऑयल छोड़ने लगी. इसका मतलब है कि आपका मसाला कुक हो चुका है. अभी इसके बाद हम डालेंगे टमाटो. अगर आप दही वाला चिकन यूज़ करें तो आपको ज़्यादा टमाटो की ज़रूरत नहीं है. आप कम डाल सकते क्योंकि आपका ऑलरेडी दही है. सो टमाटो दही का सेम काम है कि खट्टास लाना है खट्टा करना आपके डिश को. सो अभी टमाटो जब तब तक कुक करो जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाता. उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे. ओके आप देख सकते हैं कि मेरा टमाटर भी हो चुका है. इसका कलर देखो. और इसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे जो मैरिनेट किया था हमने. ये जो चिकन मैरिनेट करा है इसे हम टमाटो में डालेंगे. पहले अच्छे से मिक्स कर लें जाके जो आपका मसाला उसे इसे फिर से लग जाए. ओके अभी चिकन डाल दिया हमने. तो इसे हल्का सा कुक करेंगे जब तक आपका दही कुक ना हो जाए. और मेक श्योर कि आपका जो फ्लेम है वो लो रहे. ओके चेक करता हूँ. अभी मेरा चिकन ऑलमोस्ट हो चुका है. दही भी पकने लग गया. तो अभी इसमें मैं डालूँगा घी जो दही में दही को और हेल्प करे कुक करने में और आपके चिकन में अच्छा फ्लेवर आएगा. घी डालने के बाद आप इसे 5 to 6 मिनट फिर कुक करें और कवर करके. तो ये चिकन हो चुका है. तो अभी हम इसमें एक लास्ट चीज़ डालेंगे जो गेम चेंजर बोल सकते हो और इससे आपका पूरा फ्लेवर चेंज हो जाएगा. वो है धनिया.
जैसे हमारा चिकन रेडी हो गया तो अभी हम इसे सर्व करेंगे। एंड धनिया आपकी ड्रेसिंग के काम आप पहले ही डाल चुके तो उससे आपका चिकन और अच्छा लगेगा। आप चाहे तो क्रीम भी ऐड कर सकते हो। ओके, हमारा चिकन रेडी हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।